बताएंगे आप, बताएं एमडी साहब। बिल्कुल सही है सर। और लास्ट का बिंदु ये है, इसके लिए भी आप बता दें, बैंक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखा हुआ है, उनके सेवा नियम क्या है सदन में रखे हैं, इसके बारे में। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कहीं अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आज कोई आदमी पहले मैनुअल काम करता हुआ आज कंप्यूटर कर रहा है, तो उसकी क्षमता बड़ी है, घटी नहीं है। संस्था को इसमें 1% कोई नुकसान नहीं है। आपके पास फुटबॉल बढ़ेगा, पब्लिक आएगी, आप इससे इसके अलावा काम भी करोगे। आपके ई मित्र यदि आप खोलते हो संस्था में, तो एक या दो आदमी को आप रोजगार भी दोगे। माननीय सदस्यगण, कुछ यदि साउथ की विजिट किए हो, जहाँ प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रेंथन है, और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पिछले साल हम विजिट में गए थे, वहाँ एक GSS का टर्नओवर है 80 करोड़, 50 कर्मचारी उनके बोर्ड का काम करते हैं। तो अपन ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर आए हैं, क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है। आज क्रेडिट में यदि GSS हमारी जो ग्राउंड ग्रास रूट की जो चीज़ है, क्रेडिट नहीं है। यदि पहले से आप रजिस्टर्ड हो और एक्टिवेशन फीस उसको भी माफ़ कर दिया गया है, आपको 1 रुपया नहीं देना है, केवल आपके डॉक्यूमेंट। गिरधारी दान चारण मेरा नाम है, मैं शिव के धार्मिक कला सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, जो मार्च 2019 से अभी निर्वाचित हुआ हूँ। ऐसा है, आम सभा खाली इनको एक राज्य सरकार की ओर से निश्चित की हुई तिथि के जो आम सभा प्रतिवर्ष इनको करनी पड़ती है, उनको इन्होंने फॉलो किया। किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अध्यक्षों को पूछ करके नहीं किया, ये मर्जी से अध्यक्ष से खाली हाँ भरवाते हैं, और बाद में निर्णय जो लिखे जाते हैं वो इनकी मर्जी से लिखे जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना ये ऑफिस में बैठ करके करते हैं, ये सार्वजनिक नहीं लिखते। प्रतिवर्ष ऋण जुलाई 31 तक लोगों को मिलता है, इस बार इन्होंने एक पोर्टल जारी करके टोटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से ये कर रहे हैं। अभी तक लोगों की साक्ष्य में मंजूर नहीं हुई है। मैं मेरी बता रहा हूँ, मैंने 500 लोगों का बायोमेट्रिक हो चुका है, उसके बावजूद 284 लोगों की DMR मंजूर हुई है। DMR मंजूर होने का मतलब होता है लोगों के पैसे खाते में आने चाहिए। अभी तक लोगों के खाते में बैंक के अकाउंट में चेक करने पर किसी भी कृषकों के खाते में 1 रुपया भी 100 नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता, वो कहता है कि बार बार जाकर के ATM से देखो, राज्य सरकार पैसे दे रही है नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ की स्थानीय प्रशासन है, इनकी ये जानबूझ करके पॉलिसी है, पॉलिसी तक जो बैंक में जाएंगे तो उनके पैसे है नहीं, क्योंकि वो कह रहे कि भुगतान कैसे लेंगे। उन्होंने एक BC के माध्यम किया, BC में लोगों ने बायोमेट्रिक करवा दिया, आनंद भारत ने उनको कहा कि BC के माध्यम से भुगतान किया जाए, और जैसे बायोमेट्रिक हो गए, मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ बायोमेट्रिक 50 लाख की मैंने करवा दी है, भुगतान 10 लाख का बैंक ने दिया है, 40 लाख के लिए लोग आग भी बैंक के चक्कर निकाल रहे हैं, गालियाँ अध्यक्षों को सुननी पड़ती है, बाकी अधिकारी जो है अंदर बैठे AC रूम के अंदर बैठ करके अरल ले रहे हैं, भुगत पब्लिक रही है। BC का पेमेंट का मतलब होता है BC के माध्यम से भुगतान करना, और वो भुगतान सोसाइटी का जो अकाउंट होता है उसके अंदर चला जाता है। वो चलाने के बाद हमने जितने तक कहते हैं कि अपनी ब्रांच में पैसे नहीं है तो RTGS द्वारा दूसरी बैंक में दे दो, हम वहाँ से भुगतान ले लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई RTGS नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करना, क्योंकि बैंक कह रही है हमारे पास में पैसे है नहीं और सरकार ने पैसे दिए नहीं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये बैंक की गलती है या सरकार की, लग तो यही लगा कृषकों को एन प्रकार उनको रोका जाए और भुगतान में देरी की जाए, तो सीधे आकर के बैंक से वो नहीं जुड़े, नहीं तो क्या कि लोग आंदोलन नहीं करें। इन्होंने BC के माध्यम से लोगों को रोकने की कोशिश की है, इस कारण इन्होंने BC वाला ये ऑनलाइन पोर्टल चला करके किया है। सुनिए, सरकार की मंशा पूर्व में ये थी कि उनको अल्पकालीन ऋण दिया जाए, उसके तहत खाद बीज और खड़ाई वो कर सके, और किसी सेठ साहूकार के यहाँ जाकर के अपनी ज़मीन को गिरवी नहीं रखना पड़े, मंशा ये थी। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके देरी करके लोगों को परेशान करने की नीयत से BC का माध्यम अपनाया, और पहले इन्होंने ई मित्र भी लोगों को 20-20 हज़ार रुपये की उनको पहले कहा भैया आपको 20 हज़ार रुपये का देंगे, लिमिट इनकी 20,000 थी, 20,000 के लिए लोग जाकर के बायोमेट्रिक करते हैं, 2,000 का आज किया, यदि व्यक्ति को 50,000 उनके स्वीकृत है वो 25 बार चक्कर निकालेगा, और उससे प्रत्येक बार ये BC वाले और ई मित्र वाले उनसे पैसे लेते हैं। एन के एन प्रकार हमारी पब्लिक जा रही है, दुखी पब्लिक हो रही है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना आज अभी ADM साहब को जो हमारे यहाँ आज अध्यक्ष के नाते प्रशासक आए थे उनसे भी निवेदन किया, उन्होंने कहा कि आपको पता ही है सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं तो आप ऐसे कार्यक्रम क्यों करवाते हो, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो, उनको मना कर दो भाई सरकार के पास पैसे नहीं है ना मावा को दे सकते हैं। बिल्कुल लोगों को परेशान करने की रीत सरकार सोची समझी साजिश के साथ ऐसा ही कदम उठा रहे। आम सभा में ऐसे थे कि गत वर्ष जैसे कि लोन पूरा 100% हुआ था, इस साल में कोई लोन 15% हुआ नहीं। आम सभा में लोगों ने ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन वितरण करो, ये कह रहे कि हमारे पास पैसे है नहीं, ये इन्होंने कहा। और ब्रांच के अंदर एक ब्रांच के अंदर जैसे कि शिव ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें सहकारी समिति 28 से 29 है, उनको एक 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, 20 लाख में कुछ भी नहीं होता है, और 150 किलोमीटर से एक कास्तकार आता है हमेशा, वो 5 दिनों वही SM कास्तकार आता है, उसको 1 रुपया मिलता नहीं है, पूरे कह रहे पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेंगे, लोन एकदम हो रहा है नील बटा नील है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इस गवर्नमेंट ने धोखा किया है, उनका कोई नियम भी है नहीं, और ये अपनी मनमर्जी से कर रहे, कोऑपरेटिव वाले कोई इनकी गाइडलाइन व्यवस्था
भाजपा के जो बैठे हैं इन पे उनकी जो आइडिया थी वो छीन ली गई है और बीसी रखी है, बीसी तो भ्रष्टाचार करते हैं और इनकी मनमानी कर रही है। सोसाइटी जैसे आपकी सोसाइटी की बात करें तो आपकी सोसाइटी में पहले पिछले साल कितना लोन दिया गया था और इस बार कितना लोन है? मेरी सोसाइटी हरसाणी सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी जिसमें 3 ग्राम पंचायत है, जिसमें गत वर्ष लोन हुआ था 4.5 करोड़, अब तो हुआ है कम से कम 32 लाख रुपये हुए समथिंग।